जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है CSIR नेट मैथ का। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो जून में पूछा गया था और पार्ट बी के दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट सी में कोई क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज में रिलेटेड नहीं था। ये आश्चर्य वाली थोड़ी एक बात रही है कि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर बना था जून में, वो इनफाइनाइट सीरीज पे जो दो क्वेश्चंस थे वो पार्ट बी में थे, और उसमें से जो ये क्वेश्चंस हमारा सेकेंड था जो मैंने लिया हुआ है, इसको बड़ा हम सीरीज का जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। डायरेक्ट सीरीज का जो क्वेश्चंस है वो हम फर्स्ट की ही बात यहाँ कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो सीरीज की बात पूछी हुई है, बट यहाँ यूज आया है, ये समेशन है, तो भाई चलिए वो सीरीज की हम लोग बात यहाँ करेंगे। और यहाँ एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी नहीं है, वेरी फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू हंड्रेड है, ये है यहाँ दिस, इसके डिफरेंस की बात पूछी जा रही है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, पहले ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चंस है एक्चुअल में जो पार्ट बी में जो पूछा गया था, ये पार्ट सी के स्तर का क्वेश्चन रहा है। पार्ट सी में क्वेश्चंस अभी पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिहाज से ये क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी रहा है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चंस नहीं था, क्योंकि इसको लगा के ही आप ऑप्शंस की बात कर सकते थे, और उस ऑप्शंस में भी जो है थोड़े घुमाने का प्रयास किया गया था। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में ट्विस्टिंग नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन में, ट्विस्टिंग और ज़बरदस्त की जा सकती थी। अच्छा, इस क्वेश्चंस को लेके और ट्विस्टिंग हम ज़बरदस्त क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस लगाने के दौरान खुद हम बताएंगे कि इस क्वेश्चंस को और भी टफ कैसे बनाया जा सकता था, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ लॉग टू माइनस समेशन एन वेरी फ्रॉम वन टू हंड्रेड वन बाई टू एन इन टू एन इज क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि क्या वो लेस देन जीरो है, सेकेंड ग्रेटर देन वन है, उसके बाद ये दोनों नंबर सेम है थ्री और फोर में, एक जगह है क्या कि लेस देन होगा, ये डिफरेंस लेस देन दिस क्वान्टिटी होगा, और ये जो ऑप्शन है क्या इस नंबर से वे ग्रेटर होगा, ये मुझे निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस की कैसे एनालिसिस की जाती है। वहाँ लॉग टू आया है, देखिए जब इस टाइप कोई क्वेश्चंस आए तो एक यहाँ बात इजी होनी चाहिए कि लॉग टू माइनस दिस मच, इसकी मीनिंग है कि ये लॉग टू के अंदर ये समाहित होगा। तो हम लॉग टू को निकालेंगे ना, अगर लॉग टू को मतलब लॉग को अगर हम सीरीज फार्म में अगर लिखते हैं, और क्योंकि ये मेरा सीरीज फार्म में है, भले ही उस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स नहीं है, वन से लेके हंड्रेड, हंड्रेड टर्म्स हैं इसमें, तो कोई बात नहीं है, दिस इज ए पार्ट ऑफ द सीरीज ईयर, इसलिए सीरीज के क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ हमने इस क्वेश्चंस को पिकअप किया है। तो चलते पहले देखते हैं कि लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ लॉग वन प्लस एक्स। लॉग वन प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस एक्स रेस टू द पावर फाइव बाई फाइव माइनस एंड आर्ट्स वन। अच्छा, इसका जो वेरिएशन होता है वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस वन और वन के बीच में होता है, पता है सीरीज ऑलरेडी सीरीज को लेकर के हम एक काफ़ी इस पर एक वीडियो ही बनाए हैं एक्चुअल में ये कहा जाए, और उस स्टेज में हमने प्रूफ किया है कि ये ऐसी सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज की महिमा, जहाँ हमने प्रूफ दिया था कि पाई बाई फोर इज इक्वल टू पाई बाई एट, ये प्रूफ हो जाता है, मतलब ये ऐसी सीरीजें मेरी बनती हैं, ऐसे क्रिएशन हो जाते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की दुनिया में। तो बहरहाल ऑलरेडी हमने इस पर काफ़ी डिटेल्स में वीडियो लेक्चर्स में बात की है, वहाँ वो बात नहीं करेंगे, हम सीधे सपाट अपनी बात आते हैं। अच्छा, लॉग अगर वन माइनस एक्स मैं यहाँ कर दूँ तो फिर सबको पता है सब ये माइनस हो जाता है, जो प्लस दिखाई दे रहा है वो माइनस हो जाता है, ये हो जाता है पूरा। अब अगर यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सब प्लस हो जाता है, सब प्लस हो जाता है दिस ये, और सबको पता है अगर ये माइनस है तो फिर माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ लॉग वन अपान वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई फोर प्लस एक्स फाइव बाई फाइव प्लस एंड आर्ट्स वन। अब अगर एक्स इज इक्वल टू मैं वन बाई टू यहाँ पुट कर दूँ, क्योंकि अगर इस सीरीज को देखा जाए जो लॉग टू है मेरा, ये जो आ रहा है फार्म का वन अपॉन टू रेस टू द पावर एन इन टू एन, ये जो
इस टाइप के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना वो लॉग में आते हैं। देख लीजिए, अगर एक्स इज इक्वल टू मैं 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, अच्छा एक बात है, हाँ ग्रेटर देन 1 मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड, क्योंकि ये सीरीज तो फिर कन्वर्जेंट नहीं होगी। ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल्स में इसकी बात किए हुए हैं कि लॉग जो, थोड़ी बात हम यहाँ कर दें, ज़रूरी समझते हैं एक बार, लॉग 1 प्लस एक्स का जब आप एक्सपेंशन से लिखते हैं, ये तो लॉग 1 प्लस एक्स डिफाइंड है फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए, लेकिन जो सीरीज का फॉर्मेशन होता है वो सारे एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होती है, माइनस 1 और 1 के बीच में ही मेरी चीज़ आती है। तो दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर। तो इसलिए हम वहाँ एक्स इज इक्वल टू हाफ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक्स इज इक्वल टू अगर 1 से ग्रेटर है तो नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि सीरीज वहाँ कन्वर्जेंट नहीं मिलती है। तो x इज इक्वल टू अगर 1/2 मैं लिखूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/(1-1/2) दिस 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, तो 2 × 2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू 3 प्लस 1/2 raised to the power 4 इंटू 4 प्लस एंड आर्ट्स 1, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब ये हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 × 2 स्क्वायर 1/2 cube × 3 1/2 raised to the power 4 प्लस एंड आर्ट्स 1, ये चीज़ें मेरी आएंगी। यानी लॉग 2 के जगह मैं ये बात लिख सकता हूँ। अब मुझे जो डिफरेंस निकालना है वो ये निकालना है, लॉग ऑफ 2 माइनस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 raised to the power n × n यहाँ सॉरी ये जो मेरा है 100 दिस। अच्छा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, इस लॉग 2 को अगर मैं ब्रेक कर दूँ, इस लॉग 2 को मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, देखिए यहाँ। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 raised to the power n × n देख लीजिए, लिखिए यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिखिए, ये टर्म मिलेगा फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 2 लिखिए, ये टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 3 लिखिए, ये टर्म मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 4 लिखिए, ये टर्म मिल जाएगा। मतलब क्या होगा कि लॉग 2 का ये जो मेरा एक्सपेंशन है, यानी लॉग 2 को जो मैं इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स के रूप में लिख सकता हूँ उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी ये जो मेरा है जो सीरीज है दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो मतलब क्या है कि लॉग 2 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो लॉग 2 की ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 raised to the power n × n माइनस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू 100 1/2 raised to the power n × n। अच्छा अब इसको ब्रेक कर दें, इसको 100 तक देखिए, तो ये इसको 100 तक चला दें तो 1/2 × 1 प्लस 1/2 यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ब्रेक ही कर दूँ तो सही रहेगा, या इस स्तर पे बात है तो वो कॉमन एक चीज़ हो सकती है, कॉमन सेंस मैथमेटिक्स इस स्तर के लिए तो हो ही लिख ही सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू 100 कर दूँ 1/2 raised to the power n × n प्लस समेशन, अब 100 तक है तो 100 के बाद शुरू करना, यानी 101 n वेरी फ्रॉम 101 टू व्हाट इन्फिनिटी दिस 1/2 raised to the power n × n एंड माइनस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू 100 1/2 raised to the power n × n। अच्छा अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है मेरी दिस एंड दिस ये कैंसिल हो गई, तो मुझे फाइनली मिला क्या, जो फाइनली इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कुछ यूं आ गया समेशन n वेरी फ्रॉम 101 टू इन्फिनिटी 1/2 raised to the power n × n बस ये है मेरा। अच्छा अब इसी के बाद ये डिफरेंस की गेम्स ये सीआर वाले खेल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो बोले हैं कि लेस देन जीरो नहीं, क्योंकि ये तो n जो है मेरा नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का अगर सम करते हैं तो कभी जीरो तो आएगा ही नहीं, नेवर, जीरो आना ही आना नहीं है, ये सारे जो नंबर्स हैं ग्रेटर देन जीरो हैं, तो अगर सारे नंबर्स ग्रेटर देन जीरो हैं और उनका मैं सम कर रहा हूँ तो फिर वो तो जीरो होगा ही नहीं, तो लेस देन जीरो होने का प्रश्न ही नहीं है, तो लेस देन जो जीरो कहा गया ये फर्स्ट ऑप्शन तो यूं ही चुटकी बजाते ही कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग फर्दर अभी बात करते हैं, और फर्दर अभी बात करने के लिए पहले इस चीज़ को मैं तोड़ रहा हूँ और कुछ ट्रिक की बातें मैं करूँगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या
यहाँ कैसे क्वेश्चंस को और जो है टफ बनाया जा सकता था, जैसे अभी हमने कहा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगा होगा डेफिनेटली, नो डाउट, क्योंकि ये एक्चुअल में पार्ट बी का था ही नहीं, लेंदी बना दिया गया था। पार्ट ऐसे क्वेश्चंस को पार्ट सी में रखना चाहिए, बट भाई CSIR वालों की महिमा है। चलिए, ये सब चीज़ें पार्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स के सब होते रहते हैं। तो हम जो डिफरेंस यहाँ निकाल रहे थे वो डिफरेंस इसका निकाला जा रहा था, लॉग ऑफ टू माइनस समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 to 100 1/2n इज इक्वल टू, ये आया समेशन एन वेरी फ्रॉम 101 to infinity 1/2n। अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो फिर आएगा क्या, 1/2 to the power 101 plus 1/2 to the power 103 into 103 1/ लिख दे रहे हैं, थोड़ा एक और लिख दें टर्म क्या जाता है। चलिए, जल्दीबाजी तो है नहीं, हो गई मेरी बातें। अब यहाँ जो बात की गई है ना, वो लेस देन की बात की गई है, 2 raised to the power 100 है, यहाँ भी 2 raised to the power 100 है दिस, और 101 है वहाँ, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। एक चीज़ यहाँ लिसनर्स को हम बात कर दें सीरियसली, कि जब हम समेशन 1/NP का रिजल्ट प्रूफ कर रहे थे, दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसा है, ऑलरेडी हमने प्रूफ भी किया है यहाँ, और काफ़ी एक दो लेक्चर लगा है इसको प्रूफ करने में, और हमने सीरियसली प्रूफ भी किया है। और प्रूफ करते वक्त हमने बताया था कि ये जो इनक्वालिटी हम लोग लेते हैं, जैसे लेस देन लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं, तो इनक्वालिटी कैसे ली जाती है, किस तरीके से मैथमेटिक्स में वो भी एक गेम खेली जाती है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में बात की। देखिए, वहाँ उस चीज़ का यूज यहाँ आ गया, जो लिसनर्स वीडियो लेक्चर को सीरियसली वाच किए होंगे तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है अक्सर पूछा भी जाता है, तो फिर उनके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे हमें उसको हैंडल करना है, कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को। जैसे यहाँ देखिए, तो अब ये देखिए कि ये जो बात पूछी गई है, ये तो पावर छोड़ दीजिए, क्योंकि पावर हमारा इस टाइप की जो सीरीज है, अगर ये अपान नहीं रहता तो फिर कुछ ये सीरीज यूँ बनती मेरी, x+2x² + 3x³ + 4x² + 1। अच्छा, ऐसी सीरीज को हम साल्व कैसे करते हैं, हाउ कैन यू फाइंड, हम स्कूल स्तर से सीखते चले आए हैं, क्योंकि ये जियोमेट्रिक है और AP है, AP और GP एक साथ मिली है, तो उसका सम निकालने का हमारे पास एक डिफिनिट रूल है। 11th-12th में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी वहाँ सिखाई जाता है इस टाइप को AP GP क्वेश्चंस का सम निकालने के लिए, लेकिन ये इसका इनवर्स है। तो जब भी AP GP का इनवर्स अगर मिले और उसके सम के बारे में पूछा जाए, तो उस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप रास्ता तलाश करेंगे, कैसे आप फर्दर वे आगे चलेंगे, अब उस सोच को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। देखिए, 101 पे ही सारे नंबर्स की गेम खेली गई है, तो कैसे करेंगे उसके लिए, उसके लिए एक रिलेशन लिखते हैं, वो जो नंबर वहाँ दिया है ना उसी नंबर को लेके। जैसे हम सबको पता है कि 101 इज लेस देन, आर यू लिखें 102 इज लेस देन 101, क्योंकि सबको 101 पे ला दिया है, तो 1/102 लेस देन, ये बात मैं लिख, अच्छा अगर मैं इसको नहीं, सॉरी, ये तो ग्रेटर देन, अब अगर इनवर्स करेंगे उलट देंगे तो लेस देन की हो जाएगी 101, राइट। अच्छा, यही क्यों, 103 डिफिनेटली लिख सकते हैं लेस देन 101, ये बात में लिखी जा सकती है, 104 डिफिनेटली लेस देन 1/101। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो किसी एक नंबर से देख करके आप लिख दीजिए। अब मीनिंग क्या हो गई कि इनक्वालिटी जो इक्वल चल रही थी, यूजिंग दिस कंसेप्ट मैं कैसे लिखूंगा, अच्छा 1/102 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इनक्वालिटी अगर लेस की है तो लेस की बनी रहती है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लीकेशन करने से इनक्वालिटी जो है चेंज नहीं होती है। तो मैं लेस देन क्या लिखूंगा, इसको मैं यूं रहने दिया, 1/2 102 लेस देन की है तो ये 101 लिख सकते हैं, 1/2 दिस प्लस एंड आर्ट्स वन, ये लिखा जा सकता है। अब मैं थोड़ा यहाँ इसको डिलीट कर दूँ तब बात थोड़ी आगे आएगी। अब अगर इसको हम साल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए ये लेस देन,
सब में से हमारा 1/101 जिस पे ये गेम खेली गई है 101 ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या 1/2^101 1/2 एटोमेटिक जो होता है ना, जब इस टाइप की आप टेक्निक मैथमेटिक्स की दुनिया में लगाते हैं तो ये जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द जीपी, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो मतलब जीपी जो है फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है 1/2/101 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज है, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो डेफिनेटली ये सीरीज मेरी डाइवर्ज करेगी। हम इसका सम निकाल सकते हैं 1/1 r के फार्मूले से। तो अब जो ये डिफरेंस हुआ इसका लॉग ऑफ 2 माइनस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 to 100 1/2^n लेस देन 1/101 इंटू ए क्या है 1/2^101 दिस इज द ए फर्स्ट टर्म अपान 1 r 1/2 अब ये लेस देन 1/101 1/2^101 ये साल होगा इंटू टू ये जब हम साल्व करेंगे तो 1/101 इंटू 2^100 ये आएगा। मीनिंग क्या हो गई कि ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस लेस देन 1/101 इंटू 2^100 और उसी को यहाँ क्या किया गया है ना, ये पहले लिखा गया मतलब ऐसे लिखा गया है 2^100 इंटू 101 लेस देन होगा, यानी ये जो नंबर है इस क्वांटिटी से लेस होगा तो ग्रेटर देन नहीं होगा तो ऑप्शन 4 मेरा सही नहीं होगा। और ग्रेटर देन 1 होने की बात ही नहीं है, ग्रेटर देन 1 होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला इसका सम लेस देन दिस क्वांटिटी है और ये तो लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 होने की संभावना नहीं, तो लेस देन 1 ऑलरेडी हमने इस चीज़ को प्रूव किया। बट अभी हमने एक बात यहाँ कही कि इस क्वेश्चन को और भी टेक्निकल बनाया जा सकता था, पार्ट सी का क्वेश्चन बनाया जा सकता था इसे, और जनरली ये इतने लेंदी क्वेश्चंस पार्ट सी के ही होने चाहिए लेकिन अक्सर कभी कभी देखने में आता है पार्ट बी में भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे कैसे गेम खेली जा सकती थी उस गेम की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ देखिए कि ये 101 है राइट, तो अब 101 से ही चीज़ों को मैं शुरू कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो 101 है वो ग्रेटर है 10 से, डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट, तो 101 जो होगा लेस देन ये हो जाएगा। अच्छा सिमिलर इन सिमिलर कंसेप्ट 102 को मैं लेस देन 10 लिख सकता हूँ। 104 105 को सबको लेस देन 1/10 लिख सकते हैं। कहने की मीनिंग क्या है कि ये जो क्वांटिटी दी हुई है इस क्वांटिटी को यूजिंग दिस कंसेप्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो होगा तो 201 ऑलरेडी है, मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ, दिस 202 रहने दीजिए, लेस देन मैं 10 लिख सकता हूँ, लेस देन 10 लिख सकता हूँ। लिसनर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें कैसे इस क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूँ यहाँ, यानी और इस क्वेश्चन को टॉप किया जा सकता था, पार्ट सी का क्वेश्चन बनाया जा सकता था। तो यहाँ हम अब क्या करें 10 का अमल कर लें, बाकी चीज़ें एज इट इज हैं, दिस अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, अब यहाँ एक 10 हो जाएगा, मीनिंग ये हो जाएगी लेस देन दिस, तो ये भी आंसर हो जाएगा लेस देन दैट क्वांटिटी 1/10। 1/10 ही क्यों, आप अपने मन से इस तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप कर सकते हैं, ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इस ऑप्शंस में अगर लेस देन 1/200 इंटू 10 होता तो वो भी मेरा क्वेश्चन सही हो जाता, मतलब वो ऑप्शंस भी मेरा राइट हो जाता। तो ये क्वेश्चन रहा है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था जो पार्ट बी में पूछा गया था। पार्ट बी में जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने में कम आते हैं बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं जो लेंदी हों। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं और उस क्वेश्चंस को जो पूछा गया था वो तो जनरली एक काउंटर एग्जांपल से उन सब चीज़ों को हम काट सकते हैं क्योंकि अधिकांशतः इस स्तर पे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो क्वेश्चंस इस चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया ही जाता है, काउंटर एग्जांपल रख के ही बना दिए जाते हैं क्वेश्चंस को। तो काउंटर एग्जांपल से चीज़ें इजी भी हो जाती हैं, कम से कम बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिसनर्स को याद हो जाता है कि मुझे कैसी चीज़ों को यूज करना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें इस क्वेश्चंस में क्या है कि दो जो है मेरे मोनोटोन सीक्वेंस दिए हुए हैं। अच्छा मोनोटोन सीक्वेंस हो गया तो फिर ऑक्सिलेटरी नहीं होगा,
एन बी एन टू मोनोटोन्स हैं ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के, ठीक है, एंड दैट ये समेशन ए एन बी एन इस कन्वर्जेंट दिया है, कि मतलब ये दो मोनोटोन सीक्वेंस ऐसे हैं कि इनका प्रोडक्ट करने पे जो सीरीज मेरी बन रही है वो कन्वर्जेंट हो जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कि अब इसमें से कौन सा सही होगा उसके बारे में बात की हुई है। तो यहाँ एक चीज़ बिगिनर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये प्रोडक्ट आप यहाँ टू सीरीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि समेशन ए एन एक सीरीज बनी, समेशन बी एन बनी, उसके बाद उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, जो कौशी प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सीधा है कि दो सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस से हम प्रोडक्ट करने के बाद एक सीरीज बना है, जैसे ए एन बी एन दो सीक्वेंस है, अब उसके बाद यहाँ अलग अलग सीरीज बनी, जैसे समेशन ए एन बना, समेशन बी एन बना, इसमें पूछा कंडीशंस में है कि समेशन ए एन बी एन इज ए कन्वर्जेंट, कि ए एन और बी एन जो सीक्वेंस है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब कैसे जैसे बता दें इस चीज़ को थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, समेशन ए एन बी एन का मतलब यहाँ है अगर एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी हम लेते हैं तो ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री प्लस एंड आर्ट्स वन, ए एन बी एन प्लस एंड आर्ट्स वन, ये है। बट अगर सीरीज समेशन ए एन इंटू समेशन बी एन रहती तो फिर ये नहीं आता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, ये अलग मैटर हो जाता है। और ये क्वेश्चन इस पर नहीं है, नो सॉरी, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स बी सीरियस, ये क्वेश्चन जनरली ऐसे बना हुआ है कि सीक्वेंसों के जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म फर्स्ट का सेकेंड थर्ड का थर्ड, मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो मेरी सीरीज बनाई गई है। अब क्वेश्चंस में ये है कि पूछा है क्या कि अगर ये समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट है, अगर इस पर कोई ऐसा तो बहुत रिजल्ट नहीं है, जो रिजल्ट्स हैं हमारे एबेल्स और डिरिचलेट टेस्ट के हैं उस टेस्ट के लिए दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ सेटिस्फाई नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ लगा दें, तो फिर यूज द काउंटर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ अगर मैं ए एन जो है वन बाई एन ले लें और बी एन भी वन बाई एन ले लें, अब यहाँ तो ये लिखा नहीं गया, लिखा टू मोनोटोन सीक्वेंस है, ये नहीं लिखा गया टू डिस्टिंक्ट मोनोटोन सीक्वेंस, अगर डिस्टिंक्ट होता तो फिर ये नहीं लेता, फिर क्या होता, वन बाई वन टू एन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, थ्री एन कर दीजिए। अब जैसे यहाँ देखा जाए ये मोनोटोन सीक्वेंस है डेफिनेटली, और समेशन ए एन अगर बी एन मैं निकालूँ तो समेशन वन बाई एन इंटू वन बाई एन समेशन वन बाई एन स्क्वायर एस, और ये जो मेरी सीरीज है दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, तो है ये, इनका समेशन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, मोनोटोन सीक्वेंस भी है और प्रोडक्ट समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट भी हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन वन क्या है, कह रहा है कि दोनों समेशन ए एन और समेशन बी एन कन्वर्जेंट होंगे, मीनिंग समेशन वन बाई एन कन्वर्जेंट होगा और समेशन वन बाई एन भी कन्वर्जेंट होगा, जबकि हम जानते हैं ऐसा नहीं है, बाई पी टेस्ट दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, ईजी है ये तो बड़ा फेमिलियर चीज़ हो गई, दिस इज द एटलीस्ट वन ऑफ द कन्वर्जेंट, नहीं ये दोनों कन्वर्जेंट नहीं है, दोनों डाइवर्जेंट हैं, कैंसिल हो गया। अब वहाँ कहा है कि ए एन इज बाउंडेड, बी एन इज बाउंडेड, अब बाउंडेड की बात कही है कि दोनों बाउंडेड हैं, एटलीस्ट वन बाउंडेड है, तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें, पिकअप कर लें कि ये सिक्वेंस ए एन में ले लूँ वन बाई एन क्यूब और बी एन यही रहने दें वन बाई एन, अगेन देख लीजिए ये दो सिक्वेंस हैं मेरे और दोनों सीक्वेंस मेरा मोनोटोन है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट अगर निकालूं, मतलब समेशन ए एन इंटू बी एन निकालूं तो समेशन वन बाई एन क्यूब इंटू एन और ये समेशन वन बाई एन स्क्वायर एस, ऑफकोर्स दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट सीरीज, तो समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट है। अब देख लीजिए ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, अच्छा बट ये मेरी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, अच्छा नहीं बी एन यहाँ सॉरी वन बाई यहाँ बी एन ये ले लिया जाए, सॉरी सॉरी बी एन इज इक्वल टू एन दिस, अच्छा अभी जो सीक्वेंसेस हैं ये तो मेरा ये भी मोनोटोन है, ये भी मेरा मोनोटोन है, प्रोडक्ट करने के बाद जो सीरीज कन्वर्ट हुई वो मेरी कन्वर्जेंट हो गई, लेकिन इनमें से दोनों बाउंडेड नहीं है, ये तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो मीनिंग दोनों बाउंडेड नहीं है, तो कह रहा है कि थर्ड में ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन इज बाउंडेड नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने दिखाया कि ये अनबाउंडेड है, तो मतलब ऑप्शन थ्री भी मेरा गलत हो गया, तो फिर एक ऑप्शन ट्रू होना है और तो फोर ट्रू हो जाएगा। और एक बात को यहाँ ध्यान दें, मैंने इसको प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ एक अलग मैटर है, बट हमने काउंटर एग्जाम्पल से बात प्रूफ की है कि वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, और काउंटर एग्जाम्पल से यही देखा भी जाता है, प्रूफ नहीं किया जाता है, काउंटर एग्जाम्पल से सिंपली हम ये बात देखते हैं कि वो ऑप्शन किसी कीमत पर ट्रू नहीं हो सकता है, बट काट देते हैं, हमें थोड़ी प्रूफ करने जाते हैं कि वो ऑप्शन सही है, नो ऐसा नहीं किया जाता है, बस ये प्रूफ करते हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जब देखा जाए ऑप्शन थ्री सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन मेरे दोनों बाउंडेड नहीं है, और कहा कि नहीं दोनों बाउंडेड हैं, नो दिस इज नॉट,
तो इसका मतलब ऑप्शन फोर सही है। मतलब ये नहीं प्रूव करता है कि ऑप्शन फोर इज राइट हियर, ये प्रूव करता है काउंटर एग्जांपल कि 1, 2, 3 ऑप्शन इज नॉट आर नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली ऑप्शन फोर इज राइट हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जितने लॉजिक और कॉन्सेप्ट थी हमने सारी उसकी एनालिसिस की, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, अगेन हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।